सवाल नंबर चार, ठीक है। चार मिनट में देखो, त्रिज्या बेलनाकार टैंक है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है, लंबाई लंबाई के मतलब एच कितनी है, 7 मीटर है, कितनी है 7 मीटर। दूध वाला टैंक देखा है ना अपना, टैंकर बड़ा गोल गोल होता है ना, ऐसे बेलन की तरह ड्रम की तरह होता है ना जी। तो बेलनाकार है, बेलनाकार में दूध भरना है, दूध भरना हो, पानी भरना हो, हवा भरना हो, उसका आयतन करना होता है। क्या करना होता है? आयतन। क्या करना होता है? आयतन। ठीक है, अपने इसका आयतन करते हैं पहले तो, ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 22/7, ठीक है, गुणा आर कितनी है इसकी, 1.5 और 1 है, 5 गुणा ऊंचाई कितनी है 7, से 7 को बटा में 10 कर दूं, 5 3 15, 5 2 10, 1 2 2 11 2 22, अब 11 3 33, 33 को 15 से गुणा कर लो, 33 × 15 बटा में 10। अब 33 5 3 15, 3 3 4 यही होगा ना, 5 5 4 9 495, 495 बटा में 10, बटा में कितने हैं 10, है ना। अब 10 का भाग लगाना है, इसका मतलब एक के बाद पॉइंट लगा दो, लगा दिया, ये क्या हो गए घन मीटर, क्योंकि इकाई किस में थी, मीटर, मीटर में घन मीटर हो गए, ठीक है। अब दूध भरना, ये ध्यान रखना, एक जो घन मीटर होता है उसमें 1000 लीटर दूध आता है, एक घन मीटर में कितना दूध आता है, एक घन मीटर में दूध आता है, दूध है कितना 1000 लीटर, कितना आता है 1000 लीटर, कितना आता है। अब अपने को कितने 49.5 घन मीटर में बताया था, तो एक लीटर, एक घन मीटर में दूध आता है 1000 लीटर, तो 49.5 घन मीटर में दूध आएगा, 49.5 गुणा 1000 गुणा, तो ये हो गए 1 2 3 0 लगी। अब कितने के बाद पॉइंट लगाऊं, एक के बाद कितने बार लगा दूं, एक उड़ गई, कितनी आ गई इकाई दाई सैकड़ा, 49,500 लीटर, 49,500 लीटर, 49,500 लीटर, ठीक है।